सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी, अच्छे होगी। अभी मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक से आप पता कर सकते हो कि जो मार्केट है वो बुरी से या फिर बैरी से। क्या आप ये ट्रिक जानने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, आप ये ट्रिक जानने के लिए तैयार हो तो चलिए अब मैं आपको कमाल की ट्रिक बताता हूँ जिससे आप पता कर सकते हो मार्केट बुरी से या फिर बैरी से। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हो कि आज मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आप भी ट्रेडिंग व्यू को यूज करना सीखना चाहते हो कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, ट्रेडिंग व्यू में जो भी टूल्स है उन्हें कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे लाइन ड्रॉ करना है ट्रेडिंग के टूल से, ये सब इंडिकेटर कैसे लगाने, सब मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को ओपन करके वो सारे वीडियोज देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 को सबसे पहले आपको देखना है जैसे मार्केट ओपन हो, और उसके बाद आपको देखना है कि आज निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है कि निफ्टी कैसा ओपन हुआ है। यहाँ पर निफ्टी आज देखो निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको कोशिश करना है कि अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और अगर किसी स्टॉक में रेसिस्टेंस पर तीन प्रकार से जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ अभी ये बनता है तो आप नीचे का ट्रेड लेना है। रेसिस्टेंस पर बनने चाहिए होगी, ये जो तीन प्रकार के मैं अभी आपको पैटर्न बना कर दिखा रहा हूँ इसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं और इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो तीन प्रकार के मैंने एम बनाए हैं इन्हें आपको रेसिस्टेंस पर देखना है कि क्या रेसिस्टेंस पर ऐसे पैटर्न बन रहा है जब मार्केट क्या हो बेरिश गैप डाउन ओपन होता है या फिर बेरिश हो माइनस में निफ्टी। तो आपको कुछ इस प्रकार से रेसिस्टेंस पर इन तीन प्रकार से एम बनने चाहिए तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है। ओके, बीच में आपको किसी भी स्टॉक पर ट्रेड नहीं लेना, और अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है और निफ्टी बुलिश हो, निफ्टी गैप अप ओपन होता है मतलब कि निफ्टी बुलिश है तो आपको क्या करना है, आप कुछ ये जो मैं तीन प्रकार से फिर से जो पैटर्न बना रहा हूँ इन तीन प्रकार को आपको कहाँ पर ढूंढना है, इन तीन प्रकार को आपको सपोर्ट एरिया पर ढूंढना है। सपोर्ट पर अगर किसी स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है तो आपको उसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस अपना लगा के रखना है। ओके, तो ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो तीन प्रकार से मैंने डब्लू पैटर्न बनाया है इसे हम डबल बॉटम भी बोलते हैं और डब्लू भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो इन तीन पैटर्न को आपको सपोर्ट पर देखना है। निफ्टी आज देखो कि आज निफ्टी कैसे ओपन हुआ। सबसे पहले आप देखोगे कि जैसे ही मार्केट ओपन हो सबसे पहले निफ्टी लगाओ और देखो कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ गैप ओपन हुआ, तो आप यहाँ पर देखो कि आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और यहीं पर सस्टेन किया, थोड़ी देर रुका, फिर यहाँ से ऊपर जाने लग गया। ओके, तो आपको कोशिश ये करना है कि जब तक निफ्टी यहाँ पर देखो कि निफ्टी आज बेरिश था गैप डाउन ओपन हुआ था, तो आप यहाँ पर देखो कि बहुत से स्टॉक जो है वो माइनस में है, फिर बाद में निफ्टी जो है रिकवर भी हो गया तो, और कुछ स्टॉक्स और बहुत से स्टॉक प्लस में भी है। तो आपको मैंने जो तीन पैटर्न बनाए आपको इसी पे फोकस करना है। प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन ये जो तीन मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया है डब्ल्यू का प्राइस एक्शन, तीन प्रकार से डब्ल्यू जो बने वो सपोर्ट पे बनेंगे तो आपको क्या करना है, तो आपको ऊपर का ट्रेड लेना है। और अगर ये जो तीन प्रकार के मैंने एम पैटर्न बनाया है डबल टॉप पैटर्न बनाया है, ये तीन प्रकार के अगर आपको एम एम पैटर्न रेसिस्टेंस एरिया पर बने हुए दिखते हैं तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है, और निफ्टी को आपको देख लेना है सबसे पहले। उसके बाद आप स्टॉक्स में चले जाओ किसी भी स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में देखो कि क्या फिर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये एमसीएक्स में आप देखोगे यहाँ पर सीधे ओपन हुआ, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको डब्ल्यू बना हुआ दिख रहा है। आप डब्ल्यू बना हुआ है, मैं आपको लाइन चार्ट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सबसे पहले एम बना था लेकिन एम को फेल करके यहाँ पर डब्ल्यू बना, डब्ल्यू डब्ल्यू बनते ही कहाँ गया ऊपर। तो ये जो मैंने आपको तीन पैटर्न बनाए बताए हैं एम और डब्ल्यू के,
तो ऐसा बनता है स्टॉक में, तो आप ऊपर करके ले सकते हो, जैसे यहाँ पर एमसीएफ में बना। और ई स्क्वाड्स में मैं आपको बताता हूँ, ई स्क्वाड्स में क्या हुआ। सबसे पहले ई स्क्वाड्स में यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी क्या बना, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से ही डब्ल्यू बना है। आप यहाँ पर देखो ये कुछ इस प्रकार से डब्ल्यू बना है, और ये सपोर्ट एरिया भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, और यहाँ यहीं पे देखोगे ऊपर नीचे की तरफ में जैसे ही खुला, और फिर यहीं से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर डब्ल्यू जब बना तो आप इस जो कैंडल है इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे। तो आपको निफ्टी को ज्यादा नहीं देखना, बस शुरुआत में देख लेना है, उसके बाद आपको स्टॉक्स को देखना है, उसमें प्राइस एक्शन बनता है। जो मैंने अभी आपको डब्ल्यू पैट एम बनाया, डब्ल्यू सपोर्ट पे बने तो आप ऊपर का ट्रेड लो, अगर एम बनता है रेजिस्टेंस एरिया पे तो आप नीचे का ट्रेड लो। जैसे कि यहाँ पर मैं इंडिगो का चार्ट लगाता हूँ, इंडिगो के चार्ट में कोई पैटर्न नहीं बना, सीधे नीचे ही आते रह गया, फिर यहाँ पर थोड़ी देर रुक गया, यहाँ पर देख सकते हो 12 बजे यहाँ पर रुक गया ने इंडिगो। अब मैं यहाँ पर आपको हीरो मोटो को दिखाता हूँ, हीरो मोटो को भी सीधे यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पर डब्ल्यू बना, देखो यहाँ पर डब्ल्यू बना, फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया लेकिन वापस यहाँ पर क्या बन गया एम। तो यहाँ पर डब्ल्यू बना तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे छोटे से एसएल के साथ। फिर यहाँ पर आपको अपना 1:2 या फिर 1:2 का टारगेट मिल गया होगा। फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एम बना तो यहाँ पर भी आप नीचे का पोजीशन बना सकते थे, और फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर नीचे आया। तो आपको निफ्टी को देख लेना है, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन देखना है आपको अपना। ओके तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दे, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार मजेदार वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हम मिलेंगे सीधे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।